मिलता हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों आई नो आपको हर एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो देखिए इसीलिए हम हाजिर हैं एक और नए एपिसोड के साथ। अब आप भी एक काम कीजिए, जल्दी से जो आपकी रेगुलर हॉबीज है उसे सबसाइड करिए, थोड़ी देर की उसे ब्रेक दीजिए एंड जस्ट डिवोट योर अटेंशन इन कुकिंग। पर दोस्तों यू नो व्हाट, मुझे कुक करना बहुत पसंद है, लेकिन उसे कई ज्यादा मुझे पसंद है कुक्ड फूड को टेस्ट करना। आई एम श्योर आपको भी। वाह क्या टेस्ट है। फूड इज वन थिंग दैट ब्रिजेस द कल्चर्स एंड एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज। इनफैक्ट फूड एक ऐसी चीज है जो घर बैठे बैठे आपको वर्ल्ड टूर कराती है, अलग अलग जगह की अलग अलग रेसिपीज के साथ। वेल दोस्तों आज हम आए हैं गुड़गांव के आइबिस होटल अपनी फूड जर्नी की तलाश में, तो चलिए चलते हैं हमारी किचन में। फ्रेंड्स कुकिंग क्लासेस आर अ बेस्ट वे टू ओन योर स्किल्स एंड एक्चुअली यू नो लर्न सम न्यू रेसिपीज। तो नहीं न्यू रेसिपीज को सीखने के लिए हम पहुंच चुके हैं हमारी किचन में, तो टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से बुलाते हैं हमारी शेफ को। वेलकम शेफ प्रियंका। Hello Shraddha, how are you? Very fine chef, how are you? Yeah, I'm perfectly fine, thank you. All right chef, chef मुझे ना यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे green green vegetables दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे fresh fresh ingredients दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हेल्दी बनने वाला है आज। Yes, आज हमारी किचन में कुछ अलग होने वाला है। सीजर सैलेड तो सबने सुना होगा, ये सीजर सैलेड जो होती है वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट लव डिश है जो कि हर किसी को पसंद आती है, बट आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं अपना इंडियन ट्विस्ट देके प्रिपेयर करने वाली हूँ। वाओ साउंड्स इंटरेस्टिंग शेफ, एक काम करते हैं जल्दी से फन फैक्ट्स देखते हैं और फिर जल्दी से आ जाते हैं आपके सीजर सैलेड पे। क्या आप जानते हैं पास्ता व्हिच इज पॉपुलरली कंसीडर्ड एज इटालियन फूड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना एज अर्ली एज 500 BC बाय मार्को पोलो। It comes in more than 600 shapes and 1300 different names. Originally, pasta is made and eaten with hands. Eating pasta also triggers the feeling of happiness. Pasta China mein discover hua tha, Italy mein nahi. Like chef, seriously, mere accordingly to pasta Italy mein hi discover hua tha. But बहुत सारे लोग नहीं जानते वो चाइना से हुआ था, उसके बाद वो इटली में आके चेंज हो गया। एक्चुअली क्योंकि अगर देखा जाए तो इटालियन क्विजीन के अंडर ही पास्ता आता है, इनफैक्ट इटालियन क्विजीन की जान है पास्ता बोला जाए तो। राइट श्रद्धा, पास्ता की बातें बहुत हो रही है, क्या आज हम पास्ता भी बनाने वाले हैं? नो श्रद्धा, अभी मैं पास्ता नहीं बनाऊंगी, पास्ता मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में आपका दिखाऊंगी अपना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी मेन सेगमेंट से जो की है सीजर सैलेड। इसके लिए आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेटस रख रखे हैं, यहाँ पे मैं सारे लेटस को मिक्स करके एक डिफरेंट इंडियन ट्विस्ट दूंगी उसको, मैं अपने स्टाइल में प्रिपेयर करके दिखाऊंगी, होप सो वो पसंद आए। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेटस इसमें डालेंगे, मैंने तोड़ के रख रखा है ये सारा लेटस, ना मिक्स करके इसमें डाल दीजिए। ये हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी लेटस होता है, जब ये आता है तो बिल्कुल ग्रीननेस होती है इसके अंदर। ये इसके बाद हम लोलो रोजो, ये लोलो रोजो लेट्यूस होता है, ये भी कैबेज के पत्तों की तरह ही होता है बट इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है। देखा जाए शेफ तो सारे जितने भी लेट्यूस है वो सारे कैबेज के पत्तों की तरह ही होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लाइक हमारा रेडिचो और जो आइसबर्ग होता है वो कैबेज की स्टाइल में होता है, रॉकेट भी होता है वो भी अलग होता है, वो स्पिनिच के पत्तों की तरह होती है, सबकी अलग अलग शेप होती है। रॉकेट लीफ इसको हम रखेंगे कोल्ड वाटर में डिप करके सिर्फ 15 से 20 सेकेंड, इसका जब ये क्रंचीनेस हो जाएगा उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे ड्रायर,
ड्रायर। यस, इसको ड्रायर बोलते हैं। इसमें हम पत्ते डाल के घुमाते हैं, घुमाने के साथ इसका जितना भी वाटर होता है वो सारा बाहर निकल आता है। इसके साथ साथ हम अपना चिकन यूज़ करते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन सीजर सैलेड, तो इसके लिए हम उसका चिकन यूज़ करने के लिए हम उसको पैन ऑन कर देते हैं। इसके बाद सुशेफ, हम आई कैन सी हमने कुछ मैरिनेशन की हुई है इसकी। इसके मैरिनेशन के लिए आपको सॉल्ट, ऑलिव ऑयल, चॉप गार्लिक, इसके साथ मैंने थाइम चॉप करके डाला है, ये हमारा चिकन एक साइड से कुक होने लगा है। देखिए आप देख रहे हो इसका पानी निकल चुका है। चल, आई थिंक हमारा चिकन तो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है जैसा हमें चाहिए। ये सर्दा हो चुका है, चिकन बिल्कुल डन हो चुका है। इस चिकन को हम अपना अलग निकाल के रख देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने रख देते हैं। ऑलराइट शेफ, शेफ मुझे ना बड़े पसंद है ये लेटस वगैरह, ये ग्रीन वेजिटेबल्स देख के, ब्रोकली वगैरह, आई जस्ट लव। और इनके साथ साथ अगर मैं और लीव्स की बात करूँ, मुझे करी लीव का फ्लेवर बहुत पसंद है। अच्छा श्रद्धा, एक बात बताओ, अगर करी लीव्स आपके घर में, करी लीव्स का प्लांट है? नो शेफ, हम मार्केट से ले आते हैं। जब आप मार्केट से लेके आते हो तो कितने दिन के लिए स्टोर कर पाते हो? आई थिंक एक दिन के लिए, मतलब जब हमें चाहिए होता है हम लेके आते हैं, उसे डालते हैं। प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? श्रद्धा ये आज का क्वेश्चन है, ये आप अभी सोचिए, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग सबसे मेन है। आज आप जो ड्रेसिंग देखोगे वो थोड़ी अलग तरीके से बनने वाली है, जैसे आप देख रहे हो हैंग कर्ड लिया है इसमें, तो इसके लिए हमें दही, गार्लिक, चॉप फाइन गार्लिक, पार्मेसन चीज, चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है। ये हमारा ड्रेन किया हुआ लेटस, इसमें शायद हम सी सॉल्ट और डालेंगे। ये हमने रख दिया एक साइड। इसके बाद हम लेंगे ब्रोकली। ब्रोकली आजकल लोग सभी पसंद करते हैं, इसको हम छोटे छोटे से फ्लावर्स देंगे। इसके बाद हमने जो सोक किया हुआ हमारा आलमंड था, इसको हम पील करेंगे। इसके हम स्लाइसेस देंगे पतले पतले। ये हमारा स्लाइस रेडी है। इसके बाद हम अनियन लेंगे, जैसे अनियन को स्लाइस करते हैं लच्छा निकालते हैं, वैसे ही इसको स्लाइस करना है। इसके हमें सिर्फ ये वाले पार्ट्स चाहिए, इसको हम निकाल के एक साइड रख लेते हैं। सम चाइप्स, चाइप्स को हम थोड़ा सा लेंथ वाइज कटिंग करेंगे। अब हम आते हैं अपनी सैलेड के साइड। हमने इसमें सॉल्ट डाल के छोड़ दिया था, अब इसमें फार्मेसन चीज, इसके बाद हम लेंगे इसकी ड्रेसिंग। हमारी सैलेड
ये हमारा हो चुका है रेडी। इसके बाद सबसे मेन चीज गार्लिक ब्रेड। बिना गार्लिक ब्रेड के सैलेड तो अधूरी है। बिल्कुल शेफ। हम ऐसा एक लोफ लेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे बटर को। अब मैं जाऊंगी इसको बेक करने के लिए। व्यूअर्स, मुझे ना लेटस बहुत पसंद है, और आज का जो हमारा सैलेड है सीज़र सैलेड, इसमें तो लेटस का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। सो आई एम तो वेरी हैप्पी, इतने सारे लेटस खाने को मिलने वाले हैं। परफेक्ट। ओह, शेफ इज हियर। श्रद्धा, हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। ऑलराइट शेफ, ये हम चिकन लेके इसको स्ट्रिप्स में कटिंग करेंगे। इसको हल्का सा हम अपनी ड्रेसिंग में डालेंगे, जो लास्ट में हमारी ड्रेसिंग बच गई थी। इसमें ऑलरेडी हमने सीजनिंग कर दी थी, इसको हल्का सा बस इसमें टच देना है कर्ड का। फिर इसके बाद हमें साइड साइड से इसे सैलेड के साइड से हमें इसे डालना है। सो शेफ, जब तक इसकी प्लेटिंग चल रही है, इफ यू रिमेम्बर आपने मुझे आंसर देना था करी लीव्स वाला। राइट श्रद्धा, वो जो आंसर मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसका जवाब ये है, हम सारी करी लीव्स को निकाल के एक कांच के जार में डाल के सबको टाइटली बंद करके उसको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो शेफ, कितने टाइम तक स्टे करेगी? 15-20 days अराउंड हम इसे स्टे कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, आपने गार्निशिंग कर दी है इसकी। अभी गार्निशिंग में मैंने चाइप्स डाला जो मैंने कटिंग किया था, इसके ऊपर आलमंड फ्लेक्स, पार्मेसन चीज, ये हमारा जो रिंग अनियन था टॉप पे के साइड से लेयर, इसके साइड्स। आई होप आपको ये पसंद आए श्रद्धा। बट आई एम श्योर कि आपने इतनी मेहनत करी है और ये बहुत ही डिलिशियस दिख रहा है। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। ये डेफिनेटली टेस्टी होने वाला है। सो लेट्स टेस्ट इट शेफ। पहले चिकन लेते हैं थोड़ा सा। वेरी टेस्टी शेफ। इसमें चीज का और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हम जनरली जो सीजर सैलेड में मेयोनीज डालते हैं उससे बहुत क्रीमी फ्लेवर आता है, कर्ड से भी उतना ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। प्लस लेटस बहुत ज़्यादा क्रंची है। सो ऑल एंड ऑल बहुत ही डिलिशियस है। आई एम श्योर आप भी घर पे ट्राई करेंगे, आपको भी उतनी ही पसंद आने वाली है। जल्दी से देखिए इसका रीकैप। चिकन सीजर सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले लेटस के पत्तों को आइस कोल्ड वाटर में 1-2 मिनट तक भिगा के रखें। अब एक पैन लेके गरम करें और उसमें मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट सर्व करें। सैलेड की ड्रेसिंग बनाने के लिए एक बोल में हम कर्ड, चॉप्ड गार्लिक, पार्मेसन चीज, सॉल्ट डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। अब लेटस के पत्तों को प्लेट में डाल के ऊपर से सी सॉल्ट, ब्रोकली एंड सैलेड ड्रेसिंग अच्छे से मिक्स करें। सियर किए हुए चिकन को स्लाइस करके उसे सीजर सैलेड के ऊपर प्लेस करें और गार्निश करें चॉप्ड चाइव्स, आमंड फ्लेक्स, अनियन रिंग्स एंड गार्लिक ब्रेड के साथ। वाह, क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो। वाह, क्या टेस्ट है। दोस्तों, फर्स्ट सेगमेंट में हमने बहुत हेल्दी डिश सीखी है। अब अगली सेगमेंट में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी। एज वी ऑल नो वाका टेस्ट है में हम डिफरेंट क्विजीन सीखते रहते हैं, तो आज बारी है एशियन क्विजीन सीखने की। जी हाँ, अगली सेगमेंट में शेफ हमें सिखाने वाले हैं एशियन फ्लेवर्ड पास्ता। तो चलते हैं शेफ के पास। वाका टेस्ट है। वाक्य टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ पास्ता। झटपट बनने वालों में से है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक,
नमक हमने इसलिए डाला है क्योंकि नमक डालने के बाद इसका जो बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए हम स्ट्रेनर लेंगे। ये हमारा पालक कटिंग रेडी है। इधर हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है तो इसमें हम पास्ता अपना बॉईल करने डाल देंगे। जब तक ये पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम अपनी वेजिटेबल कटिंग कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के लिए हमें चाहिए येलो बेल पेपर, जिसको हम अपनी किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है क्यूब्स में कटिंग कर सकते हैं, ट्रायंगल्स में कटिंग कर सकते हैं। ब्रोकली, मशरूम, आप इस सब की जगह आप कुछ दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, लाइक गोभी भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपके बच्चों को पसंद हो। जुकिनी, इसके बाद हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। इसको हमने निकाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको सेपरेटली रख देते। इसको हम 3 से 4 सेकंड के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। उसका कलर का भी ध्यान रखना है तो हम इसको 3 से 4 सेकंड के ज़्यादा हम इसको बॉईल नहीं कर सकते। ये हमारा पालक रेडी है। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे इसका पेस्ट बनाना है। इसके साथ साथ मैं अपनी वेजिटेबल जो मैंने कटिंग की है वो भी बॉईल कर लेती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा नमक टच करेंगे। अब हमारी वेजिटेबल रेडी हो चुकी है। इसको हम निकाल के हल्का सा कोल्ड वाटर के साथ रख देंगे। इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपना पालक का पेस्ट। क्योंकि मेरा पालक ठंडा हो चुका है तो मैं पालक पेस्ट बना के लेके आती हूँ। ये पालक पेस्ट अब रेडी हो चुका है। 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका कलर इतना अच्छा आया है, ग्रीन पैनिक ग्रीन करी जो पास्ते का नाम है उसके अंदर ये कलर बहुत सही है। इसके लिए सबसे पहले बनाने के लिए हम लेंगे इसका कोकोनट। इसमें थोड़ा सा पानी, इसको हमने ऐसा प्यूरी टाइप बना लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नी कुकिंग। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो अपना वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तब तक हम अपना काफ़ी लैम्स ये सब चॉप कर सकते। ये थाई हब्स है काफ़ी लैम्स, जिसको हम लेमन लीव्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक, गार्लिक डालने के साथ हम इसमें थोड़ा सा अपना लेमन लीव्स जो काफ़ी लैम के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद हम ये थाई पेस्ट डालेंगे। ये मैंने होममेड थाई पेस्ट बनाया है। इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ग्रीन चिली डाली है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और काफ़ी लैम डाल के सीजनिंग कर दिया। पेस्ट को इस प्रकार मिलाएंगे कि ये पूरा गार्लिक इसमें ऑब्जर्व कर ले। इसके बाद जो हमने यहाँ पे अपना स्पिनिच का पेस्ट बनाया था वो हम इसी टाइम पे इसको डालेंगे। इसके बाद कोकोनट का प्यूरी, बटर, ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। हमने 80% जो अपना पास्ता कुक किया था इसको हम इसमें कुक करेंगे। इसको हम 20% कुक इसी में करेंगे सॉस के साथ। जैसे ये कुक हो रहा है उसके साथ हम अपनी वेजिटेबल डाल सकते हैं जो हमने बॉईल की थी।
ये आपका पास्ता रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट टच देंगे अब पी फॉर्मेजन चीज़ के साथ, क्योंकि चीज़ के बिना पास्ता तो अधूरा है। थोड़ा सा पास्ता हमें उठा हुआ चाहिए। इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे इसमें फॉर्मेजन चीज़। अब हम ऊपर से इसमें चिली डालेंगे, क्योंकि ये थाई कुजीन से है, थाई अब से थोड़ा सा स्पाइसी हो गई होगा। ये हमारा पास्ता रेडी है। इसके बाद हम लेते हैं एक लोफ। कटिंग करने के बाद इसमें गार्लिक बटर जो मैंने बनाया है, गार्लिक इसके साथ थोड़ा सा चॉप पार्सले, चॉप गार्लिक एंड मेल्टेड बटर, इसको मैं स्प्रेड करूँगी इस तरह कि ये सारे चारों साइड से कवर कर दे। कवर करने के बाद मैं इसको जाती हूँ बेक करने के लिए। अब ये गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। देखिए आप इसका कलर देख रहे हैं जैसे ये। अब इसकी हम पैनिंग प्लेटिंग करते हैं। इसको हम थोड़ा सा फार्मेसन चीज़ और ऊपर से डाल देते हैं। ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पास्ता थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें एशियन लुक थोड़ा सा था, एशियन था, थाई था, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े डिफरेंट थे। अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया हो तो आप अपना रिकैप चेक कर सकते हैं। पेने ग्रीन करी वेज बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉट लें, उसमें पानी गर्म करें, थोड़ा ऑयल और नमक डाल के। अब पास्ता को उस बॉइलिंग पॉट में डाल के 80% तक पकाएं। दूसरी तरफ चॉप करें पालक, येलो बेल पेपर, ब्रोकली और ज्यूकनी को। अब पालक को लेके गर्म पानी में ब्लांच कीजिए और सेम पॉट में चॉप्ड वेजेस को भी ब्लांच करें। ब्लांच्ड पालक को लेके उसका प्यूरी बना लें। फिर दूसरी तरफ कोकोनट पाउडर को एक बोल में पानी डालकर उसका घोल बनाएं। पास्ता सॉस बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा ऑलिव ऑयल गरम करें, उसमें चॉप्ड गार्लिक, लाइम लीव्स, थाई पेस्ट, पालक प्यूरी डाल के अच्छे से पकाएं। अब उसमें कोकोनट घोल और बॉइल्ड पास्ता डालकर स्टर कीजिए। फिर ब्लांच्ड वेजेस, पार्मेसन चीज डालकर अच्छे से मिक्स करें। पास्ता इज रेडी। गार्निश करें रेड चिली के साथ और सर्व करें गार्लिक ब्रेड के साथ। दोस्तों आज की जो रेसिपीज हमने सीखी वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। ट्रस्ट मी, आप घर पे उसे जब भी ट्राई करने वाले हैं आपको बहुत सारे प्रेजेस मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जितने भी हमें फीडबैक्स भेजते हैं वो हमें बहुत स्ट्रेंथ देते हैं हमारे शो को आगे बढ़ाने के लिए। वेल दोस्तों, एज यू ऑल नो कि मैं आपकी एक मेल रीड करती हूँ, तो देखते हैं आज कौन है वो लकी व्यूअर। सो वो है गीतिका अलाहाबाद से। वो कहती हैं, हाय श्रद्धा, आई एम गीतिका फ्रॉम अलाहाबाद। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लव योर शो एंड द फन वे इन विच यू प्रेजेंट इट। The dishes shown here are really delicious and easy to cook. Keep going. Thank you so much, Gitika. Thank you so much for such a positive feedback. Dosto, aap bhi agar hame apne feedback dena chahte hain, aap hame mail kar sakte hain. Hamara mail ID hai wahkyataste@gmail.com. So friends, aaj ke liye bas itna hi. Agle episode mein phir hogi aapse mulaqat. Tab tak ke liye, dekhte rahiye DD National. Namaskar. मसाला कड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।